ओ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर है तुमको बताना। भाई आशिकी का ये सॉन्ग तो आप लोगों को याद ही होगा, कितना प्यारा, कितना रोमांटिक, कितना दिल को छूने वाला है। आज भी जब भी ये गाना कहीं बजता होगा तो आप सोचते होंगे, यार पहले इस गाने को सुन लेते हैं, उसके बाद अपना कोई काम करते हैं। तो भाई अब धीरे धीरे का एक नया वर्जन आया है मेरे भाई, और वो भी भाई आशिकी वाली वर्जन से काफी हटकर, जिसको सुनने के बाद आप भी ये बात कहोगे कि भाई ये वर्जन भी बहुत ही शानदार है, और इस वर्जन में नजर आने वाली जो जोड़ी है वो भैया बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचा देगी 24 सितंबर को। तो भाई क्या है ये नया वर्जन और किसके ऊपर फिल्माया गया है ये सॉन्ग, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो भाई ये वर्जन है, धीरे धीरे छूके मेरे मन को रे तू, बस गया दिल में कैसे तू, यहां वहां देखूं जहां दिखता है तू, छुप गया नैनों में कैसे तू, आ मेरी नींदों को लेता जा, मेरे ख्वाबों को देता जा, मेरे नींदों को लेता जा, मेरे ख्वाबों को देता जा। भाई बहुत डिफरेंट है ना धीरे धीरे का ये नया वर्जन, और भाई ये वर्जन किसके ऊपर फिल्माया गया है, तो भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन कलाकारों में से एक, यानी कि जूनियर NTR की आने वाली मच अवेटेड फिल्म देवरा में, जिसमें जूनियर NTR जो है वो बॉलीवुड की उभरती हुई खूबसूरत अदाकारा यानी कि जानवी कपूर से रोमांटिक अंदाज में मिल रहे हैं, और उनके रोमांटिक अंदाज को देखने के बाद ही जानवी कपूर ये गाना गुनगुना रही है। तो भाई कैसा है ये सॉन्ग, और इस सॉन्ग को अभी तक YouTube के प्लेटफॉर्म पर किस तरह का सपोर्ट मिला है, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा धीरे धीरे सॉन्ग के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र, और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि जूनियर NTR और जानवी कपूर की ये फिल्म यानी कि देवड़ा इसी साल की 24 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी, और भाई इस फिल्म में जूनियर NTR का मुकाबला छोटे नवाब यानी कि सैफ अली खान से होने वाला है। तो भाई ये फिल्म तो ऑलमोस्ट बनकर पूरी तरह से तैयार हो गई है, बहुत जल्दी ही इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस फिल्म का शानदार जानदार जबरदस्त ट्रेलर बहुत जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन उससे पहले इस फिल्म से जुड़े हुए जो बाकी अपडेट्स आ रहे हैं ना, वो बहुत ही क्लासिकल है मेरे भाई, और उन अपडेट्स में से ये वाला अपडेट यानी भैया धीरे धीरे सॉन्ग मुझे काफी पसंद आया। और भैया इस फिल्म में जानवी कपूर और जूनियर NTR की जो केमिस्ट्री है ना, वो भी बहुत ही लाजवाब नजर आ रही है। तो भाई गाना तो है बहुत ही जबरदस्त, और इस गाने के म्यूजिक को अनिरुद्ध रविचंद्रन ने भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया, और इसके बोल को कैसर मुनि ने बहुत ही प्यार से लिखा है, और इस गाने को पूरे दिल से गाया है शिल्पी राव ने। तो दोस्तों वाकई में शिल्पी राव, मैं बोल गया शिल्पा राव ने, तो भाई वाकई में गाना है बहुत ही जबरदस्त, और इसी वजह से भाई इस फिल्म के इस सॉन्ग के पांचों वर्जन को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है मेरे भाई यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, यानी कि इस गाने को 30 सीरीज के अलग अलग चैनल पर लॉन्च किया गया है, यानी कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मतलब इन पांचों चैनल्स पर लॉन्च किया गया, और सभी जगह इस गाने को जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। अगर मैं बात करें भैया तेलुगु वर्जन की, तो भैया तेलुगु वर्जन में इस गाने को 23.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, वहीं पर इस फिल्म के वर्जन के इस सॉन्ग को भैया हिंदी लैंग्वेज में 13.6 मिलियन व्यू मिल चुका है, तमिल में इस फिल्म को 3.4 व्यूज मिला है, कन्नड़ा में इस फिल्म को
869,000 व्यू मिले हैं और उसके बाद भी मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को 556,000 व्यूज तब तक मिल चुके थे जब तक ये आंकड़े में आप लोगों को बताने के लिए लिख रहा था। तो भाई वाकई में गाना तो बहुत ही जबरदस्त है। अब मुझे इस फिल्म के ट्रेलर का बहुत ही बेताबी से इंतजार है क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर ये बात कही जा रही है कि भैया ये फिल्म भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस साल एक बड़ी फिल्म साबित होगी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भाई ये सॉन्ग यानी कि धीरे धीरे छुके मेरे मन को रे तू बस गया कैसे दिल में तू यहाँ वहां देखूं जहां दिखता है तू छुप गया नैना मैं कैसे तू। कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।